गाइस, मैं अनुराग। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का टाइम चल रहा है और बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा है, पर उन क्लासेस के बीच कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि आपको उन पर ही ध्यान लगाना पड़ता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए हो और एक हाथ में आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक पेन पकड़े हुए हो जिससे आप लिख सको, तो आपके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मैंने इसी प्रॉब्लम से जूझ के आज ये वीडियो बनाने का सोचा। तो चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एक अच्छा सा वर्क प्लेस। वर्क प्लेस सबको ज़रूरी होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, क्योंकि बड़े आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें काम करना आता है और बच्चों को स्टडीज़ के लिए चाहिए होता है। मेरे पास कोई वर्क प्लेस था नहीं, तो मैं एक पिलो पे ही करता था ऑनलाइन क्लासेस, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था, जिससे मैं स्टडीज़ नहीं कर पाता था अच्छे से। तो मैंने इसका कुछ सोचा सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी करता था, मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट तो ये जो पिलो है वो गिर जाता था। तो मैंने सोचा कि एक बेड टेबल ले लिया जाए जिससे मैं आराम से अपने ऑनलाइन क्लासेस को कर लूँ। आराम से आप दो बच्चे यहाँ पे स्टडीज़ कर सकते हो। मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में भी आ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एक मोबाइल स्टैंड का प्रॉब्लम। देख सकते हो आप मेरे हाथों में कितना दर्द हो रहा है फ़ोन को पकड़ते। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। मेरे हाथों में बहुत बार मेरा फ़ोन भी गिर चुका है, आप देखे होंगे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो आप देख सकते हो, मैंने सोचा कि चलो बुक लगा के कुछ देख लेते, कुछ हो जाएगा काम इससे। तो देख सकते हो मेरा फ़ोन इससे भी स्लिप कर रहा था और इससे मेरे स्क्रीन पर एक हेयर लाइन जैसा क्रैक भी आ गया है। लेकिन मैंने सोचा चलो बुक को हटा के पेंसिल बॉक्स रखते हैं, उससे शायद कुछ हो जाए। तो मैंने पेंसिल बॉक्स को भी ट्राई किया। तो वो क्या रहा था, पेंसिल बॉक्स तो थोड़ा ठीक था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके नीचे स्लिप कर रहा था, आप जैसे देख सकते हो। लेकिन हुआ क्या, मैंने चलो सोचा कि पेंसिल बॉक्स ठीक ही होगा, लेकिन वो भी स्लिप पूरा कर रहा था और मेरा इससे एक और क्रैक आ गया उल्टा। तो मैंने सोचा चलो वाटर बॉटल सबसे ज़्यादा सिक्योर होगा। तो मैंने वाटर बॉटल पर भी ट्राई किया रखने का। तो ये बहुत ज़्यादा देर तक स्टेबल तो था, बट बहुत ज़्यादा ये डेंजरस भी था उतना ही। तो मैं सोचा कि चलो ये हटा ही देते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ है। तो मैंने सबको हटा दिया, सबको साइड कर दिया कि इससे टाइम वेस्टिंग कुछ और नहीं है। तो और मैंने एक गोरिल्लापॉड ऑर्डर कर लिया अपने लिए, जिससे आप अपने लिए एक वीडियोस भी बना सकते हो यूट्यूब के लिए, अपने लिए क्लासेस भी कर सकते हो और ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। ये आपका मल्टीपर्पज़ भी हो गया। मैंने यही ऑर्डर किया था अपने लिए और मैं इससे आजकल ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, जो कि मेरे को बहुत पसंद है जैसे ऑनलाइन क्लासेस करना अक्सर, और बहुत ही ईजी टू यूज़ भी है करना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो चलो हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है ईयरफोन का प्रॉब्लम। देख सकते हो ईयरफोन मेरे को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो हेडफोन ही लगा लेते हैं। तो ये मेरा हेडफोन आप देख सकते हो, मैंने मी से मंगाया था वायरलेस हेडफोन। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एक बड़े स्क्रीन का प्रॉब्लम। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता था, मैं फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस करता था, मेरे को कोई कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होता नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक टैब ले लेते हैं। ये टैब लेनोवो की तरफ से आ जाता है। प्लस मैंने एक स्पेशल कवर ऑर्डर किया इसका, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हो। कुछ इस तरीके से आप स्टैंड बना के ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है एक हेडफोन का प्रॉब्लम। मैंने बताया था उस समय ईयरफोन्स के लिए हेडफोन्स, बट होता क्या है, बहुत लोग हेडफोन्स लगाते तो उनके सिर में दर्द हो जाता है। मैंने मी का ये वायरलेस ईयरफोन्स लिया।